हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। आज आप सीखने वाले हैं विंडो 11 कैसे इंस्टॉल करते हैं। आपके पास बूटेबल ड्राइव होगा, उसको हम पीसी से कनेक्ट करते हैं और एचपी का आप ब्रांड यूज़ कर रहे हो तो F9 क्लिक करो तो आपका ये बूटेबल ड्राइव दिखाएगा। देखिए किंगस्टन दिखा रहा है, उस पर क्लिक करते हैं तो सेटअप स्टार्ट हो गया। थोड़ा होल्ड कीजिए, देखिए आ गया सेटअप। लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो भी 7-10 था मेरे पास, 11 था, उसको हम सेलेक्ट किए। अब ये कस्टम पे सेलेक्ट करके ये जो भी आपको पार्टीशन दिख रहा है इसको एक एक करके हम डिलीट करते हैं क्योंकि पुराना हमें कुछ नहीं चाहिए। और पूरा डिलीट करने पे अपने को पता चल जाएगा कि कितना इसका मेमोरी है। हद 1 TB का मेमोरी है, देखिए 930 GB अपने को मिल रहा है। ये हार्ड डिस्क वाले भी क्या करते हैं पता नहीं। तो चलिए पहले सी ड्राइव के लिए हम एक पार्टीशन तैयार करते हैं। 453 मैंने सेलेक्ट किया, 453 GB अपने को मिल रहा है, 443 GB। तो ये सी ड्राइव है। सी ड्राइव को इसलिए ज़्यादा रखते हैं क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, बड़े सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो मेमोरी लगती है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा रखना चाहिए उसको। और वैसे ही करके एक एक करके जितना आपको पार्टीशन की साइज चाहिए, यहाँ पे देखिए 170 मैंने डाला, तो ऐसे करके आप एक एक पार्टीशन अपना रेडी कर दो और 4 पार्टीशन आप बना सकते हैं। तो देखिए लास्ट वाला है, ये लास्ट में जो भी बचता है डायरेक्ट इसको और न्यू करके कर लेते हैं। तो अभी हम सेलेक्ट करते हैं सी ड्राइव के लिए 443 GB जो है, नेक्स्ट करते हैं। अभी देखिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि डिपेंड करता है आपका पीसी का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, उसके ऊपर उतना ही फास्ट ये इंस्टॉल भी होगा। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग वीडियो वॉच तो करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए जिससे मुझे और इंटरेस्ट आए वीडियो बनाने में। और कुछ भी आपको वीडियो से रिगार्डिंग पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बापअप टेक्निकल, वीडियो पूरा देखिए आपको समझ में आ जाएगा विंडो 11 कैसे इंस्टॉल करते हैं। बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया बिना कोई ब्रेक दिए, कि मतलब मैंने कट नहीं किया वीडियो को, कंटिन्यू वीडियो चल रहा है और कहाँ कहाँ आपको क्या क्या क्वेश्चन करेगा विंडो इंस्टॉलिंग के टाइम, तो ये आपको सब पता चलेगा। तो देखिए 5762 हो गया, अभी देखते हैं कितना टाइम और लेता है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, कंप्लीट होने जा रहा है और अभी ये फिनिश अप हो जाएगा। तो ये देखिए ऑटोमेटिक रिस्टार्ट बोलेगा, रिस्टार्ट होगा तो कुछ भी आप बटन प्रेस नहीं करना, नहीं तो वापस इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक लेगा जो भी इसको करना है, ऑटोमेटिक करेगा, आपको अभी कुछ नहीं करना है। दोस्तों और आपको कुछ किसी चीज़ के बारे में कोई वीडियो बनवाना है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, जो मैं बनाने की कोशिश करूँगा, या कोई प्रॉब्लम है आपको इससे रिगार्डिंग वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। Thank you.
तो लगभग होने जा रहा है, फिर से स्टार्ट कंप्यूटर आपका स्टार्ट होगा। तो अभी अपने को कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिक खुद ही कर रहा है। पेशेंस रखिए, इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए ओपन हो गया विंडो हमारा। अभी हमें कंट्री सेलेक्ट करना है, तो इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। यस करते हैं सेलेक्ट करके। अभी ये कीबोर्ड अपना जो भी लैंग्वेज होता है कौन सा आप यूज चूज करना चाहते हो, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। फिर सेकंड आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं कीबोर्ड का। तो दोस्तों फिर से रिस्टार्ट होगा आपका पीसी। कुछ करना नहीं है अपने को, फिर से सेटअप आया। अभी आपका डिवाइस का नेम पूछ रहा है, तो यहाँ आपको जो भी लग रहा है वो आप सही लगे नाम डाल दो। फिर से रिस्टार्ट होगा आपका पीसी। अभी यहाँ पे सेटअप पर्सनल पे गए। अभी आपका ईमेल आईडी बोलेगा क्रिएट करने के लिए, तो आप कर लेना। तो दोस्तों अभी पिन डालना है, जब भी आप लॉगिन करोगे आपसे ये पिन पूछेगा, तो कोई इजीली पिन डाल देना जो आपको याद रहे। तो अभी देखिए इंटरेस्ट पूछ रहा है आपको, इससे जो भी आप टिक करोगे उससे रिगार्डिंग वो ऐड वगैरह भेजता रहेगा। तो एक्सेप्ट करते हैं, जो भी आपको चाहिए टिक कर लेना। फिर ये आपका फ्लैश ड्राइव जो भी आपका डाटा रहेगा वो पूछ रहा है वन ड्राइव में डालना है या पीसी में, तो आप पीसी को सेलेक्ट करो कि पीसी में ही रहेगा। तो हाई लिख के आ गया। अभी कुछ ही समय में विंडो ओपन हो जाएगा डेस्कटॉप हमारा। तो दोस्तों ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से इसको इंस्टॉल कर सकते हो विंडो 11। थोड़ा सा फोकस और कॉन्सेंट्रेट करना है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी रिगार्डिंग आपका इंक्वायरीज होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Yeah.